नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे WhatsApp के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग चुका है। तो इसको देने के बाद में हमारा WhatsApp जाके ओपन होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस फिंगरप्रिंट को बंद कर देना है, मतलब कि हमारे WhatsApp के ऊपर आपको कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं रखना है, इस फिंगरप्रिंट को आपको बंद करना है, तो कैसे कर सकते हो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, अगर आपको WhatsApp के अंदर का फिंगरप्रिंट निकालना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे WhatsApp के अंदर। WhatsApp के अंदर जाने के बाद पहले एक बार हम फिंगरप्रिंट दे देंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर की तरफ जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो, उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स वाला, तो उसके ऊपर भी आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना दोस्तों। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों अकाउंट वाला, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्राइवेसी वाला, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, उसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकता हो, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसको हमने ऑन करके रखा है, तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कैंसिल हो चुका है, मतलब आपके WhatsApp के अंदर अभी कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार का अभी WhatsApp के ऊपर पासवर्ड नहीं है। तो सिंपली चलिए अभी WhatsApp को ओपन करके देखते हैं। WhatsApp को ओपन करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो WhatsApp है डायरेक्टली ओपन हो चुका है। हमारे सामने कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं मांग रहा। तो यहाँ पे फिर से एक बार अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली जैसा होता है उसी प्रकार से हमारा जो WhatsApp है ओपन हो रहा है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं मांग रहा है, मतलब कि दोस्तों हमारा जो फिंगरप्रिंट है निकल चुका। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने WhatsApp के अंदर का जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको निकालना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।